हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपना टॉपिक होगा जो प्रोटीन्स पढ़ रहे थे अपन, प्रोटीन्स की रिएक्शंस देखेंगे कि प्रोटीन्स से किन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। देखो आज अभी तक अपन ने जो रिएक्शन की एक एक मॉलिक्यूल्स लेके अपन ने जो भी रिएक्शन हुई वो करवा ली है ना, लेकिन अपनी प्रोटीन्स की चेन लंबी होती है और सब आप जानते हो कि रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड करने वाली है। जैसे अमीनो एसिड्स के साथ किया नाइट्रेट रिएक्शंस वैसे ही आपके प्रोटीन पर भी करने वाली है, क्योंकि प्रोटीन्स में भी क्या होते हैं आपके अमीनो एसिड्स की यूनिटी प्रेजेंट होती है, तो इनकी रिएक्शंस को अपन लिख पाना पॉसिबल नहीं होता, यानी कि बहुत बड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ क्या है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो आपके बॉटनी जूलॉजी में भी किए जाते हैं और केमिस्ट्री में भी किए जाते हैं, है ना। प्रोटीन्स के टेस्ट होते हैं जैसे आपके कौन सा आयोडीन टेस्ट हो गया, मतलब मेलॉन टेस्ट हो गया, निनहाइड्रिन टेस्ट हो गया, वो सब अपन यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी रिएक्शन के लिए अपने को क्या करना है। प्रोटीन का नाम लिखना है और सॉल्यूशंस के बारे में बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट है आपका निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट लेना है, यानी कि निनहाइड्रिन लेना है आपके पास। पहले अपन को क्या करना है, उसमें प्रोटीन लेना है, प्रोटीन का सोल्यूशन में निनहाइड्रिन लेना है। इन दोनों को मिक्सर करने पर अपने पास ब्लू कलर प्राप्त होता है ना। अगर प्रोटीन प्लस निनहाइड्रिन को मिलाते हैं तो ब्लू कलर आता है, मतलब कि आपका क्या है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर आपको टेस्ट करना है कोई भी सॉल्यूशन मिल जाए, आपको जानना है कि प्रोटीन है या और कुछ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रोटीन प्लस निनहाइड्रिन मिलाना, उसके अंदर निनहाइड्रिन मिलाने पर अपने पास ब्लू कलर आ जाना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट टेस्ट अपना सक्सेसफुल। तो इसमें से ये इस टेस्ट से ये होता है कि इसके अंदर कोई ना किसी सॉल्यूशन में प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर सेकंड टेस्ट आता है बाई यूरिया टेस्ट, है ना। बाई यूरिया टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, प्रोटीन सॉल्यूशन लिया जाता है, इसके अंदर सम ड्रॉप्स 1% कॉपर सल्फेट की डाली जाती है, एनओएच डाला जाता है ना। एनओएच डाल के इसमें क्या कौन सा कलर आता है, पर्पल कलर प्राप्त होता है ना। तो ये आपके देखो बॉटनी जूलॉजी में सबने प्रैक्टिकल किया है कि प्रोटीन बाय यूरिया टेस्ट क्या होता है, प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाते हैं पहले तो प्रोटीन होगा अपना, मान लो कि प्योर फॉर्म में प्रोटीन है आपके पास तो प्रोटीन के आपका सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर प्योर फॉर्म में नहीं है तो किसमें सॉल्यूशन, जैसे एग में प्रोटीन है उस एग से वो सॉल्यूशन बना बनाया तैयार है, तो उसके अंदर सम ड्रॉप्स पानी की मिलाएंगे और वो सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अपन को मिलाना है सम ड्रॉप्स 1% कॉपर सल्फेट का मिलाना है, यानी 1% सॉल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का। फिर उसके अंदर एनओएच मिलाना है, एनओएच मिलाने के बाद में अपने पास कौन सा कलर आता है, बैंगनी कलर प्राप्त होता है, मतलब कि आपका क्या है इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। थर्ड टेस्ट है आपके जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या करना है, प्रोटीन लेना है, उसके अंदर HNO2 मिलाना है। जब प्रोटीन के अंदर HNO2 मिलाते हैं तो येलो कलर प्राप्त होता है ना। येलो कलर में अगर इस कलर, यानी जो आपका सॉल्यूशन बना आपका, यानी कि प्रोटीन प्लस HNO2 का सॉल्यूशन बना, तो इसमें क्या मिलाना अपने को, बेस मिलाना है, यानी कि कोई भी क्षार हो सकता है, आपके NaOH ले लो, KOH ले लो, यही नॉर्मली क्षार लिए जाते हैं। इन क्षार की प्रेजेंस में क्या होगा, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, वो कुछ किसमें हो जाएगा, ऑरेंज कलर के अंदर हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ टेस्ट आता है मेलॉन टेस्ट, है ना। मेलॉन टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, प्रोटीन प्लस मेलॉन रिएजेंट लिया जाता है। मेलॉन रिएजेंट में कौन कौन सा, HgNO3 होल ट्वाइस होता है, प्लस HNO3 होता है, प्लस HNO2 होता है ना, इसे कहा जाता है मेलॉन रिएजेंट। ये होता है आपका मेलॉन रिएजेंट। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो आपके पास व्हाइट कलर की PPT प्राप्त होती है। PPT मतलब कि अवक्षेप प्राप्त होता है या प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, उसे कहते हैं व्हाइट कलर की PPT प्राप्त होती है, यानी कि आपके थोड़ा थोड़ा जमना स्टार्ट हो जाता है, वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, उसे PPT कहते हैं। सॉल्यूशन ना रहकर आपके PPT बनती है, और की तो आपके जो आपके इन टेस्ट में देखेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन ही रहेगा, यानी कि अगर उस सॉल्यूशन की मात्रा को देखेंगे तो वो क्या होगा, बराबर होगा आपके ऊपर लिक्विड के अंदर ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा थोड़ा थोड़ा जमना स्टार्ट हो जाएगा, वो इसे कहते हैं PPD। फिर फिफ्थ टेस्ट आता है हेलो टेस्ट, है ना। हेलो टेस्ट के अंदर मिलाया जाता है प्रोटीन प्लस कंसंट्रेट HNO3 मिलाया जाता है ना, कंसंट्रेट लिया जाता है, ध्यान रखना। प्रोटीन के सॉल्यूशन लेंगे, प्रोटीन के सॉल्यूशन में कंसंट्रेट HNO3 मिलाएंगे तो अपने पास व्हाइट कलर की रिंग प्राप्त होगी। देखो ये टेस्ट होगा कैसे, ब्राउन रिंग टेस्ट सुना, ब्राउन रिंग टेस्ट का जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, वही दीवार के सारे, यानी कि प्रोटीन एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर परखने लेके दीवार के सारे सारे अपने को क्या करना है, HNO3 ऐड करना है दीवार के सारे सारे, तो फिर उस परखने में क्या होगा, एक रिंग बन जाएगी, जैसे जैसे वो रिएक्ट करता जाएगा उसके एक रिंग बन जाएगी, है ना, व्हाइट कलर की। तो ये होता है आपका हेलो टेस्ट। जैसे आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, मान लो
इस टेस्ट ट्यूब में अपने पास क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। इस प्रोटीन के साथ दीवार के सारे सारे अपने को क्या मिलाना है, HNO3 मिलाना है कंसेंट्रेट। तो जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे, एक साथ तो मिलाएंगे, अगर एक साथ मिला देंगे तो यहाँ से बीच में से बफर बन जाएगा। तो अपने को क्या करना है, दीवार के सारे सारे मिलाना है थोड़ा तिरछा करके। तो अपने पास कौन से एक रिंग बनेगी आपकी, यहाँ व्हाइट कलर की रिंग, मतलब कि आपका क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट टेस्ट आता है आपके एडम क्विजर रिएक्शन, या इसे कहते हैं हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट भी कहा जाता है, हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट है ना। इसमें क्या करना है, आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोजेनिक एसिड लेना है और H2SO4 मिलाना है, तो पर्पल कलर प्राप्त होगा इसमें भी आपको, है ना। प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजेनिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों को मिक्सचर मिलाने पर अपने पास पर्पल कलर प्राप्त होता है, मतलब कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट लास्ट टेस्ट होता है आपका आयोडीन टेस्ट। देखो आयोडीन टेस्ट मोस्टली स्टार्च के लिए किया जाता है, कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च को, क्योंकि स्टार्च और आयोडीन मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ब्लू कलर प्राप्त होता है अपने को। लेकिन यहाँ आयोडीन को अपने को प्योर फॉर्म में नहीं लेते अपन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के रूप में लेते हैं, उसे उसका सोल्यूशन लेते हैं। प्रोटीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेंगे तो अपने पास येल्लो कलर बनेगा, है ना, येल्लो कलर का सोल्यूशन प्राप्त होगा। अगर अपना अंगुलियों पे लग जाएगा तो वो येल्लो कलर का ही रहेगा, है ना। तो ये आपके होते हैं प्रोटीन्स की रिएक्शंस बता मान लो, या प्रोटीन के टेस्ट मान लो। टेस्ट क्या होते हैं, वही रिएक्शंस ही होती है। तो प्रोटीन्स की है रिएक्शंस, आपके सात रिएक्शन है। फर्स्ट है निनहाइड्रिन रिएक्शंस, बायोरेट टेस्ट, जेंथोप्रोटीन टेस्ट, मिलान टेस्ट, हेलर टेस्ट हो गया आपका, एडवेंट क्विजिन रिएक्शंस हो गए आपकी, और आयोडीन टेस्ट हो गया। तो ये रिएक्शंस है आपकी प्रोटीन्स की। अब देखेंगे अपन प्रोटीन की संरचना, कि प्रोटीन की संरचना किस तरीके की होती है, है ना। तो प्राथमिक द्वितीयक प्रोटीन्स आपने पढ़ा है सबने, ये सब नाम आए हुए हैं, बस उनके बारे में डिस्कस करना है अपने को, कितने प्रकार की प्रोटीन्स होती है और उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो एक बार ये देख लो आप। प्रोटीन की संरचना की, प्रोटीन की संरचना किस प्रकार से बनाई जा सकती है आपकी। देखो आपके प्रोटीन की संरचना के बारे में है, कि प्रोटीन की संरचना किस प्रकार से होगी। अब अपन संरचना पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इसमें एमिनो एसिड्स की यूनिट किस प्रकार से जुड़ रही है एक दूसरे से, उसे ही कहते हैं अपन संरचना, की आपके एमिनो एसिड्स की यूनिट क्या सीधी जुड़ रही है, क्या तिरछी जुड़ रही है, क्या है, किस तरीके से वो एक दूसरे से ऐड हो रही है, उसे कहते हैं अपन प्रोटीन्स की संरचना। प्रोटीन की संरचना आपकी मुख्यतः चार प्रकार की होती है। प्रोटीन की संरचना मुख्यतः आपके चार प्रकार की होती है ना। फर्स्ट है आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और चतुष्क। ये चार प्रकार की प्रोटीन होती है आपके नॉर्मली। फर्स्ट है आपके प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, और आपके होगी टेट्रा, है ना। चार प्रकार के प्रोटीन के अंदर संरचना भी अलग अलग होती है, किस तरीके से वो बाइंडिंग होगी, बाइंडेड होगी, इसे कहा जाता है प्रोटीन की संरचना। अब आपकी द्वितीय संरचना होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स, और सेकंड है आपके लहरियादार चद्दर समान। ओके, तो ये आपके दो प्रकार की होती है। अब प्राथमिक संरचना की बात आती है, कि प्राथमिक प्रोटीन किस तरीके से होती है आपके, किस तरीके से उसकी संरचना होती है। तो प्राथमिक प्रोटीन में क्या होता है आपके, किसके आधार पर किया जाता है, एक तो अमीनो एसिड्स के
संख्या के आधार पर देखा जाता है, एक देखा जाता है कि उनका सीक्वेंस किस तरीके से जुड़ा हुआ है एक दूसरे एमिनो एसिड से, फिर देखा जाता है कि कौन सा एमिनो एसिड कहाँ से जुड़ा हुआ है ना, वो भी आपके मैटर करता है। जैसे आपने डीएनए में पढ़ा, डीएनए में अपन एक बात करते हैं आपके होता है एडेनिन गवानिन है ना, साइटोसिन यूरेसिन है ना, इस तरीके से होता है। यूरेसिन तो नहीं पाया जाता, यानी कि एक के साथ हमेशा बॉन्ड कौन बनाता है, टी बनाता है, थायमिन बनाता है, और गवानिन के साथ क्या होता है, साइटोसिन बनाता है। ये आपके इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरीके से हमेशा बॉन्ड बनाता है कोई भी एमिनो एसिड्स के, सॉरी डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर इस तरीके से अगर बॉन्ड बना रहा है। अगर कई बार ये होता है कि आपके पास मान लो ए टी जी सी टी ए आ गए, और इनके साथ में अभी तो सिंगल बॉन्ड बना रहे, इनके साथ मान लो मैं ए की जगह टी तो कर दी, यहाँ जी बना दूँ, यहाँ सी बना दूँ, यहाँ जी हो जाएगा, और यहाँ आपके टी के साथ ए हो जाएगा, और ये हो गया आपके टी। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास टी के साथ कभी भी जी बॉन्ड नहीं बनाता है ना, नहीं टेस्ट नहीं बना, बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, आपके डीएनए के अंदर उत्परिवर्तन होता है। और यहाँ क्या होता है, अगर एक एमिनो एसिड्स की चेन के अंदर कुछ एक दूसरा एमिनो एसिड चेंज कर दिया जाए तो वहाँ भी क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है, कोई भी बीमारी हो सकती है उत्पन्न। जैसे एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि आपके पास केवल एक प्रोटीन चेंज होती है, एक एमिनो एसिड चेंज होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। ओके, तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है कि सीधी श्रृंखला के अंदर एमिनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, नीचे दूसरे एमिनो एसिड उसकी सीधी श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे कि इस तरीके से ये एक दूसरे एमिनो एसिड एक सीधी श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए होंगे। अगर आपके मान लो किसी के अंदर भी एक एमिनो एसिड का युग्म चेंज हो जाए या एक एमिनो एसिड को अपन चेंज कर दें तो उस वजह से डिजीज हो जाती है। ओके, तो प्राथमिक एमिनो एसिड के अंदर एक सीधी श्रृंखला के अंदर एमिनो एसिड्स की यूनिट होती है, उन यूनिट्स के एक दूसरे से अटैच होंगे किससे, वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये एक दूसरे के बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड से ही, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे, अटैच होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इसे कहा जाता है प्राथमिक संरचनाएं। द्वितीयक संरचना की बात में आती है कि द्वितीयक संरचना किसे कहते हैं, इसी संरचना को अगर घुमा दिया जाए या इसे थोड़ी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ा दिया जाए तो उसे अपन कहते हैं कि ये द्वितीयक संरचना होती है। अल्फा हेलिक्स उस प्रकार की संरचना होती है और दूसरी होती है आपके चतुर्नुमा संरचना होती है। अल्फा हेलिक्स का मतलब है कि हेलिक्स क्या होता है, आपके कुंडलन, इसी तरीके से होता है। इसे डीएनए का हेलिक्स बोलते हैं, तो इसे अपन डीएनए का हेलिक्स बोलते हैं। और ये अपने पास अगर हेलिक्स की बात होती है तो अल्फा हेलिक्स मतलब एक यूनिट होगी आपकी इस तरीके से। ओके, इसे कहा जाता है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। इसमें क्या होगा, आपके एमिनो एसिड्स की यूनिट होगी वो एक दूसरे, यहाँ क्या होगा जिसमें आपके मान लो ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ये एमिनो एसिड्स की यूनिट पे आ जाएगा, और यहाँ एनएच है, तो यहाँ क्या है, इसके पास हाइड्रोजन मिल रहा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहाँ से क्या होता है, हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा इन सभी में। ओके, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्टेबल होती है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है आपके किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्टली कौन बनाता है आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरिन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो मोस्टली हाइड्रोजन बनाने के अंदर सब बहुत ज़्यादा माहिर है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ से क्या, वो ऑक्सीजन मिल रहा है, और यहाँ से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से अटैच क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन सकता है, इजीली बन सकता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, इसे कहा जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें आपको बस ज़्यादा याद नहीं रखना है कि अल्फा हेलिक्स कैसी होती है, अपनी कुंडलन के समान होती है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इनके आपको कुछ वैल्यूज याद रखने की, इनकी कुंडलन की लंबाई कितनी होती है ना, वो सब।
तो अब अपने पास चद्दरनुमा संरचना आती है। चद्दरनुमा संरचना मतलब कि आपके पास क्या होगा कि इस तरीके से कोई संरचना होगी, वो एक दूसरे के साथ क्या होगी, जुड़ी हुई होगी तिरछी रूप में। तिरछी तिरछी जुड़े हुए होंगे ना, तो इसे कहा जाता है अल्फा चद्दरनुमा संरचना। इसमें दो प्रकार की बॉन्डें बनती है, एक तो बनता है आपके समानांतर और एक असमानांतर। समानांतर का मतलब कि आपके पास इस तरीके से एक इसमें होगा तो एक इसमें होगा, ये समानांतर हो गया। असमानांतर की मान लो ये हो गया एक दूसरे बराबर के, ओके। ये आपके क्या है, पेप्टाइड बंड से ही जुड़े हुए हैं, एमिनो एसिड्स की यूनिट और किसी से नहीं जुड़ी हुई है ना, वही है। और इसके अंदर चद्दरनुमा संरचना क्या होती है, वो इसमें और कौन कौन सी बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पाई जाती है, साथ में इसके अंदर आयनिक करेक्टर्स भी आ जाते हैं, इसीलिए मोस्ट स्टेबल होती है। और अब बात आती है त्रिविम, आपके देखो चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय प्रोटीन के एग्जाम नहीं है आपके कोर्स के अंदर, केवल तृतीय प्रोटीन तक ही है आपके सिलेबस के अंदर। तृतीय प्रोटीन क्या होती है, आपकी द्वितीय प्रोटीन से थोड़ी ज़्यादा स्थायी होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड आ जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि इसके अंदर सल्फाइड बंद भी पाया जाता है, आयनिक बंद भी पाया जाता है, वंडरवाल बंद भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर हाइड्रोजन बंद भी पाया जाता है। ये सब बंद पाए जाते हैं, और एक ये अगर इसे गर्म भी कर दिया जाए तृतीय प्रोटीन को, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होती है, ये टूटती नहीं है, यानी कि इनके बंध तोड़ना आसान नहीं है, इन्हें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए अगर बंध तोड़ रहे हैं। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोटीन, अगर स्टेबिलिटी का आउटलुक देखा जाए कि कौन सी ज़्यादा सबसे स्टेबल प्रोटीन है, तो आप क्या आती है चतुष, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्राथमिक आएगी, है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटीन अगर अपन तृतीय तक ही पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, केवल तृतीय की है, तो तृतीय प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड पाए जाते हैं, इसकी वजह से सबसे स्थायी प्रोटीन होती है। ये ऊर्जा की अगर एनर्जी भी दी जाए तो भी ब्रेक नहीं होती है, मतलब कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी कम है, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है, ओके। देखो अपने पास जब अपन स्टेबिलिटी किसके आधार पर मानते हैं, एनर्जी के आधार पर, जिसकी जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ही स्टेबल होता है, और जिसकी ज़्यादा एनर्जी होती है वो कम स्टेबल होता है, ऐसे ही मानते हैं। तो इसके अंदर अगर एनर्जी दे रहे हैं अपन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो इनकी तुलना में इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इसमें जितने बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे आपके पास। बहुत अगर किसी स्पीसीज के अंदर बहुत सारे बंध पाए जाते हैं, वो मोस्टली क्या होती है, स्टेबल होती है, ओके। तो ये हो गए आपके तृतीय प्रोटीन, इसकी स्ट्रक्चर आपके सेम क्या होगी, अगर आप ऐसे बना रहे हो तो भी सही, इसमें आपको क्या ना सल्फाइड बंध भी बनाना पड़ेगा, ये लो सल्फाइड बंध दो, और साथ में इसके अंदर आपके तृतीय प्रोटीन के अंदर एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि तृतीय प्रोटीन में आपके एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आपके कोई हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन। मोस्टली रेशेदार जितनी भी प्रोटीन्स होती है वो आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है। इनके अंदर देखो हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरोधी और जल रोधी दोनों सिरे पाए जाते हैं, ओके। तो आपके जितने भी जैसे बाल नाखून है, ये आपके तृतीय प्रोटीन्स के एग्जांपल्स होते हैं, ओके। जितनी भी रेशेदार प्रोटीन होगी वो आपकी तृतीय प्रोटीन होती है। अब इनके वन बाय वन अपने स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ओके। और इनके अंदर कितनी इनका अगर हेलिक्स की संरचना है, तो इसके अंदर जैसे डीएनए के अंदर अपन देखते हैं कि अपना एक हेलिक्स की कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास लेंथ होती है, और इसमें कितने आपके पास एडेनिन थायमिन है ना, गुआनिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, वो आपके 10 पाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन के अंदर भी उनकी लेंथ देख लेते हैं कि कितनी लेंथ होती है, और किस तरीके से उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई भी जो अन्य बॉन्ड होता है वो पाया जाता है, ओके। मेन बेसिक तो देख लिया कि अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं प्रोटीन को, और कौन कौन से उनके करैक्टर होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट आता है आपके प्राथमिक प्रोटीन, जो अपन ना अपना बेसिक है कि किसे अपन प्राथमिक, अगर कोई नॉर्मली अपन से पूछ ले कि प्राथमिक एमिन प्रोटीन किसे कहते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपकी सरल संरचना हो, एक रेखी संरचना हो, उसे अपन नॉर्मली प्रोटीन प्राथमिक प्रोटीन कहते हैं। अब बात आती है कि किस में पाई जाती है, किस तरीके से इनमें बॉन्डिंग होती है, तो वो सब अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपका प्राथमिक प्रोटीन,
जैसे आपके प्राथमिक प्रोटीन है, प्राथमिक प्रोटीन में अपन ने कहा कि एग्जांपल अच्छा खासा अपना एग्जांपल था सिकल सेल एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर आपके क्या ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन के क्या होती है एमिनो एसिड्स की यूनिट होती है, अल्फा और बीटा एमिनो एसिड्स की यूनिट पाई जाती है। पहले बात ये आती है कि आप संरचना डिफाइन कैसे करोगे, किसके आधार पर बोलोगे, कौन से आपके पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा जिसके आधार पर अपन एमिनो एसिड्स की डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी देख सकते हैं, है ना, और एक्सरे विवर्तन आते हैं आपके मेथड एक होता है एक्सरे विवर्तन मेथड, जिसके द्वारा अपन प्रोटीन की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। प्राथमिक से प्रोटीन के अंदर इस तरीके से प्रोटीन होगी जो आपके हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होगी, ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर आपके आते हैं अल्फा और बीटा एमिनो एसिड्स, उनकी यूनिट होगी आपकी। जैसे कि आपने ने ले लिया कोई ग्लोबिन प्रोटीन ली है, उसमें क्या होता है कि आपके अगर ग्लूटामिक प्रोटीन की जगह वैलिन आ जाए, है ना, तो केवल ये एक युग्म आपका क्या हो जाए चेंज हो जाए, तो आपके क्या हो जाती है आपकी क्या आप रोग क्या उत्पन्न होता है, सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न होता है। जो सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न होने की वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ओके, तो ये होती है आपके प्रोटीन प्राथमिक प्रोटीन्स, और प्राथमिक प्रोटीन्स में ये एग्जांपल हो गया अपना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आपकी प्राथमिक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन्स में अगर कुछ चेंजेस हो जाए, अगर एक ही एमिनो एसिड्स की यूनिट चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा क्या होगा अपना सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, और उसकी वजह से जो डिजीज़ होगी वो आती है आपकी सिकल सेल एनीमिया, जो आपका अगर हीमोग्लोबिन की सरकार का होता है इस तरीके का होता है, इस तरीके का हीमोग्लोबिन होता है, एक एमिनो एसिड चेंज होने की वजह से वो किस तरीके का बन जाता है हसियाकार बन जाता है, इस तरीके का हीमोग्लोबिन की संरचना हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रोटीन्स के अंदर भी अगर प्रोटीन्स को भी अगर एमिनो एसिड्स की यूनिट को भी चेंज करते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी नए टेंडर में ले तो अपन देख सकते हैं कि कोई बीमारी है जो वायरल है या किसी वायरस के द्वारा हो रही है या किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है, तो उनका एमिनो उनका जेनेटिक पदार्थ है ना आनुवंशिक पदार्थ अपने आनुवंशिक पदार्थ से क्या होता है क्रिया कर लेता है, क्रिया करने की वजह से क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है, या कह सकते हैं कि बीमारी उत्पन्न हो जाती है उसमें प्रतिकृति हो जाती है या कुछ हो जाता है, यानी कि डीएनए के डीएनए से मिलने से क्या होता है नया डीएनए प्राप्त होता है ना, तो उसकी वजह से क्या तो कई बार होता है कि वो तो कुछ अगर आप कोई वायरस का डीएनए और अपना डीएनए एक दूसरे से अगर क्रिया कर ले, क्रिया करने पर अगर कोई अच्छा बन रहा है तो वो अपने लिए अच्छा वो बैक्टीरिया साबित हो जाता है, और अगर अपने कोई डिजीज़ उत्पन्न कर दे तो वो अपने लिए खतरनाक साबित हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से अपन एमिनो एसिड प्रोटीन्स के बारे में देखें। अब देखेंगे अपने पास द्वितीयक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन के संरचना के अंदर अपन देखेंगे एक तो हेलिक्स देखेंगे अल्फा हेलिक्स, और एक देखेंगे अपन चदरदार संरचना, इन दोनों की संरचनाएं देखेंगे किस तरीके से इनकी संरचनाएं बनाई जा सकती है। द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स, पहले इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है आपके अल्फा हेलिक्स के अंदर, सॉरी द्वितीयक संरचना के अंदर, वो किस तरीके से प्रेजेंट होगी आपके सी डबल वन ओ है, इसके से जो ग्रुप जुड़ा हुआ एमिनो एसिड्स की यूनिटी है, और अपने पास जो एन एच होता है ओके, और जो आगे ग्रुप जुड़ा उसके इनके बीच में होता है अल्फा सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो अपने अल्फा हेलिक्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और चदरदार संरचना के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इनकी संरचना देखते हैं अपन, देखो आपकी द्वितीयक प्रोटीन संरचना इस तरीके की होती है अल्फा हेलिक्स की हेलिक्स में, जिसके अंदर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया है ना, पेप्टाइड बॉन्ड तो आपके इनके बीच में ही पाए जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एक एमिनो एसिड की दूसरे एमिनो एसिड की किसी के भी साथ हो सकती है ना, तो इनके अंदर ये आपके जो दिख रही है वो आपकी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से ये हेलिक्स एक दूसरे के साथ
साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा तो उनमें भी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इनके अंदर इन दोनों टर्न के बीच की दूरी होती है 3.7 इलेक्ट्रॉन और इनका राइट हैंड एंड होता है यानी कि दक्षिणावर्त इनका मुंडन होता है इस तरीके से, इस तरीके। जैसे अपने पास डीएनए की संरचना होती है, डीएनए की संरचना में अपन बोलते हैं कि दक्षिणावर्त डीएनए भी पाया जाता है आपके और वामावर्त डीएनए भी पाया जाता है। किस तरीके से अपन बोल सकते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, और अगर इस तरीके से होगा तो ये बोलते हैं हम। तो आपके पास अगर इस तरीके से होता है, ये किस साइड है आपकी, राइट साइड है ना, तो राइट साइड में गुणन कर रहा है यानी कि दक्षिणावर्त में गुणन कर रहा है। ये किसमें होगा, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, इसे वामावर्त गुणन में होता है। इस तरीके से अल्फा हेलिक्स के अंदर राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड का मतलब होता है दक्षिणावर्त गुणन होता है आपके अल्फा हेलिक्स के अंदर। ओके, अगर मैं थोड़ा ओके। अब बात आती है अपने पास ये अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर होगी, चतुर्भुज संरचना के अंदर क्या होगा आपके पास, इस तरीके से आपको क्या करना है, एमिनो एसिड्स की यूनिट को जोड़ना है ना, पहले जोड़ने के बाद में अपने को क्या करना है, इनके पास एक सी ओ का होगा, दूसरे एनएच के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इस आयन का क्या, हाइड्रोजन इस साइड है तो बनाएगा नहीं, और ये हो गया आपका यूनिट आपके आगे की सी एच आर की यानी कि आरडीएस कोई भी हो सकता है आपके पास एमिनो एसिड। फिर सी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ती जाएगी, ये होते हैं आपके पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एंटी पैरेलल की बात आए तो आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से बनाना होगा। ओके, फिर आपको इस तरीके से उनके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी होगी। ओके, तो इस तरीके से अपने पास जितने भी प्रोटीन्स थे अपने कवर कर लिए। आपका प्रोटीन में केवल रह गया है आपके विकृतिकरण या उनको किस तरीके से वापस बनाया जा सकता है। ओके, ये आरएनए से प्रोटीन बनाया जा सकता है ना, इसे कहते हैं आपके, जब आपने सेंट्रल डोगमा वगैरह कुछ पढ़ा होगा डीएनए के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है वो देखा था। उसके अंदर आता है कि डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है ना, तो और प्रोटीन से वापस से डीएनए भी बनाया जा सकता है। ये हो गया आपका रिवर्स, वो वर्ताकार मॉडल था, एक सेंट्रल डोगमा था, उसके आधार पर अपन कह सकते हैं आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ओके, तो ये हो गया। अब बस आपको नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए की संरचनाएँ देखेंगे, जो अपन ने 11th 12th में देखी थी, इसे हम बेसिक वैसा ही है, कुछ नया नहीं है इसमें।